Holy shit! तो चलिए दोस्तों, मूवी स्टार्ट होती है एक हॉस्पिटल से, जहाँ पर एक डॉक्टर और एक नर्स हमको देखने को मिलते हैं। नर्स का नाम एना होता है और डॉक्टर उससे उसी पेशेंट के बारे में पूछता है जिसके हाथ पर किसी ने बाइट किया था। पेशेंट का पता लगाने के लिए एना रिसेप्शन पर जाती है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि अब वो पेशेंट आईसीयू में एडमिट है। तब उस बात को सुनकर एना काफ़ी हैरान होती है कि सिर्फ किसी के काटे जाने से आईसीयू में है। एना की शिफ्ट ख़त्म हो चुकी होती है और एना वहाँ से चली जाती है और अपने घर के लिए निकल पड़ती है। कार में बैठकर वो कार का रेडियो ऑन करती है। रेडियो पर कुछ इम्पोर्टेंट न्यूज़ चल रही होती है, जिन्हें इग्नोर कर वह सॉन्ग लगा लेती है। घर पहुंचकर देखती है कि उसका हस्बैंड बेड पर लेटा हुआ है और टीवी देख रहा है। जब वो दोनों हस्बैंड वाइफ आपस में बातें कर रहे होते हैं, तब टीवी पर इमरजेंसी न्यूज़ स्टार्ट हो जाती है, लेकिन उनका उस पर ध्यान नहीं जाता। अगली सुबह उनके रूम का दरवाज़ा अपने आप ही खुल जाता है। तब एना का हस्बैंड उठकर देखता है। वो देखता है कि वहाँ पर उसकी नेबर की बच्ची खड़ी हुई है जो इंजर्ड है। और जब वो बच्ची थोड़ा पास आती है, तब वो देखता है कि उसकी हालत काफ़ी ख़राब है और वो फौरन उसकी तरफ भागता है और वो एना को एम्बुलेंस बुलाने को कहता है। लेकिन तभी वो बच्ची उस पर झपट कर उसकी गर्दन पर काट लेती है और उसे काट कर उसकी स्किन से अलग कर देती है। एना जल्दी से उस बच्ची को हटाकर बाहर फेंक देती है, लेकिन वो बच्ची फिर से उठकर तेज़ी से उसकी तरफ आने लगती है और एना जल्दी से दरवाज़ा बंद कर लेती है। और वो देखती है कि उसके हस्बैंड का बहुत ज़्यादा खून बह चुका है। एना उसको बचाने, उसका खून रोकने की काफ़ी कोशिश करती है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं हो पाता और वो इमरजेंसी नंबर पर कॉल कर देती है। लेकिन सारी लाइंस बिजी होती हैं और वो बार बार ट्राई करती है, लेकिन सभी लाइन बिजी आ रही होती हैं। तभी एना का हस्बैंड एक नॉर्मल इंसान की तरह उठकर खड़ा हो जाता है, जैसे कि उसे कुछ भी ना हुआ हो। और जैसे ही एना उसे उसका नाम लेकर बुलाती है, वो उस पर अटैक कर देता है। और अब वो काफ़ी खतरनाक हो चुका था, उसकी आंखों का रंग भी बदल चुका था। एना किसी तरह उसे खुद को बचाकर खुद को वॉशरूम में लॉक कर लेती है और वो बाथरूम की विंडो ओपन करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उससे नहीं खुलती। तभी बाहर से आवाज़ें आना बंद हो चुकी होती हैं, जैसे कि सब कुछ नॉर्मल हो गया हो। एना समझती है कि शायद उसका हस्बैंड चला गया। ऐसा होता ही है कि उसका हस्बैंड दरवाजे को तोड़ अंदर घुसने लगता है और तब एना खिड़की को दोबारा खोलने की कोशिश करती है और इस बार खिड़की खुल जाती है। एना जल्दी से जल्दी खिड़की से बाहर कूदने की कोशिश करती है, तब वो उसे पकड़ लेता है। तब एना उसे हिट करके बाहर कूद कर अपनी जान बचा लेती है। बाहर निकल कर अपने पड़ोसी से वो हेल्प मांगती है, इसके बजाय उसके मदद करने की वो उस पर ही गन पॉइंट कर देता है। जैसे ही वो एना की तरफ बढ़ने लगता है, वो एक एम्बुलेंस उसे उड़ा देती है। एना अपनी टाउन की कंडीशन देखती है कि वहाँ पर कितना बुरा हाल हो गया है। लोग पागलों की तरह इधर उधर भाग रहे हैं, जगह जगह पर आग लगी हुई है। लेकिन यह सिर्फ उसके आस पड़ोस में ही नहीं था, बल्कि पूरा शहर ही इस लपेट में आ चुका था। तभी उसी समय वहाँ एना का हस्बैंड बाहर आ जाता है और एना फौरन से कार में बैठकर कार को अंदर से लॉक कर लेती है। लेकिन इसके बावजूद वह उसका पीछा नहीं छोड़ता। वो कार पर चढ़कर उसका शीशा तोड़ने की कोशिश करने लगता है और एना कार स्टार्ट कर वहाँ से निकल जाती है। और तब हमें मूवी में पूरे शहर का मंजर दिखाया जाता है। पूरे शहर में तबाही बर्बादी मची हुई है। एना जब ये सब देख रही होती है, उस वक्त उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हो क्या रहा है, लोग क्यों बुरी तरह से एक दूसरे को काट रहे हैं। और तभी एक आदमी आकर कार को एना से छीनने की कोशिश करता है। एना जल्दी से कार की रेस का प्रेस कर देती है और उसकी गाड़ी मेन रोड से उतरकर क्रैश हो जाती है और एक पेड़ से जाकर टकरा जाती है, जिससे एना बेहोश हो जाती है। जब एना को होश आता है, तब वो कार से बाहर आती है तो वो देखती है कि एक पुलिस ऑफिसर उस पर गन पॉइंट किए हुए है, जिसका नाम कैनेट होता है। वो उसे कुछ बोलने के लिए कहता है ताकि पता चल सके कि वो इंसान है या जॉम्बी, क्योंकि जॉम्बी बोलते नहीं है। एना प्लीज़ बोल के इस बात का सबूत देती है कि वो एक नॉर्मल इंसान है। और जब पुलिस ऑफिसर को इस बात का यकीन हो जाता है कि वो एक इंसान है, वो आगे बढ़ जाता है और एना भी उसके पीछे पीछे चलने लगती है, क्योंकि वो एक पुलिस ऑफिसर के साथ सिक्योर रहेगी। अभी वो थोड़ी दूर ही पहुँचते हैं कि उनके सामने से उन पर कोई गोली चला देता है। वहाँ पर तीन लोग होते हैं, जिसमें माइकल, एंड्रे और उसकी
एंड्रू कहता है कि उन लोगों ने उन्हें जॉम्बी समझकर उन पर गोली चलाई। तब वो पुलिस ऑफिसर कैनेथ आगे बढ़ता है क्योंकि उसे उस जगह जिसका नाम फुट पोस्टर होता है वहाँ जाना था क्योंकि उसका भाई भी वहाँ था, लेकिन वो लोग उसे वहाँ जाने को मना करते हैं और कहते हैं कि ये उन लोगों ने भी वहाँ जाने की कोशिश की थी। इस कोशिश में वो 8 से 3 रह गए। वो बताते हैं कि अब वो मॉल जा रहे हैं। तब कैनेथ और एना भी उन्हें ज्वाइन करते हैं, तब वे भी उनके साथ मॉल जाते हैं। पूरा मॉल लॉक था इसीलिए वो पिछले दरवाजे का लॉक तोड़ने लगते हैं और इसी दौरान कुछ जॉम्बीज उन्हें देखकर उनकी तरफ दौड़ने लगते हैं। तब कैनेथ और एंड्री जॉम्बी को कवर करने की कोशिश करने लगते हैं लेकिन अभी तक डोर ओपन नहीं होता है। कैनेथ उस डोर को शूट कर उसे तोड़ देता है और वो सब अंदर आकर दरवाजे को लॉक कर लेते हैं। अंदर आने के बाद पूरे फ्लोर को चेक करते हैं। माइकल को एक स्टोर रूम से किसी की आवाज़ सुनाई देती है। जब वो डोर ओपन करता है तब वो देखता है कि वहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड जो कि अब जॉम्बी बन चुका है वो किसी को खा रहा है। जैसे ही वो गार्ड माइकल को देखता है वो उस पर अटैक कर देता है। उसका शोर बाकी सब भी सुन लेते हैं। तभी नीचे से आकर एक जॉम्बी एंड्री की वाइफ को पकड़ लेता है और कैनेथ उसे बचाने की कोशिश करता है लेकिन इस कोशिश में उसे खुद को चोट लग जाती है। अंदर वो किसी तरह माइकल जॉम्बी को मारकर अपनी जान बचा लेता है और दूसरी तरफ एना उस जॉम्बी पर गन चला देती है जो उसके सर पर लगकर गुजर जाती है जिससे वो जॉम्बी तड़पने लगता है। मौका मिलते ही वो सब लिफ्ट की तरफ भागते हैं और ऊपर वाले फ्लोर पर पहुंच जाते हैं लेकिन वहां पर 3 सिक्योरिटी गार्ड और भी थे जिन्होंने उस फ्लोर पर कब्जा किया हुआ था और वो उन लोगों को वापस नीचे वाले फ्लोर पर जाने की कहते हैं लेकिन नीचे वाला फ्लोर उन लोगों के लिए सिक्योर नहीं था इसीलिए वो हरगिज़ वहाँ जाना नहीं चाहते हैं। इवेंचुअली वो गार्ड उन लोगों को अपने साथ रखने के लिए रेडी हो जाते हैं बल्कि उनकी हेल्प के लिए नहीं बल्कि उन्हें कैदी बनाकर रखने के लिए। वो उनसे उनकी गन्स भी छीन लेते हैं और अंदर जाकर एना कैनेथ के जख्म की बैंडेज करती है और एंड्रू देखता है कि उसकी वाइफ को एक जॉम्बी ने काट लिया है लेकिन वो इस बात को सिक्योर रखता है, मीन छुपा कर रखता है, वो किसी के साथ में शेयर नहीं करता है। वो लोग टीवी देखते हैं और उन्हें जॉम्बी के बारे में यह इंफॉर्मेशन मिलती है कि वो सिर्फ सर पर गोली लगने से ही मरते हैं और एक ऑफिसर बताता है कि फुट पोस्टर जहाँ पर कैनेथ ने जाना था वो अभी भी सेफ है, अगर कोई सर्वाइवर वहाँ आना चाहे तो आ सकता है। वो तीनों सिक्योरिटी ग्राउंड फ्लोर पर जाते हैं ताकि वो जॉम्बी से लड़ सके और वो जॉम्बी जो पानी में तड़प रहा था वो उस पर यह एक्सपेरिमेंट करते हैं कि क्या सर पर गोली मारने से वो मरते हैं और वो उसे गोली मार देते हैं और बाकी लोग छत पर SOS लिखते हैं ताकि हेलीकॉप्टर आए और उनको हेल्प मिल सके। मॉल के सामने वाले फ्लोर पर एक सर्वाइवर होता है जो वो वहाँ बिल्कुल अकेला था। तभी वो देखते हैं कि मॉल के आसपास ढेर सारे जॉम्बीज जमा हो चुके हैं। सिक्योरिटी ऑफिस CZ उन सभी को एक कंपार्टमेंट में बंद कर देता है ताकि कोई ऐसी वैसी हरकत ना कर सके। अगली सुबह सिक्योरिटी गार्ड सिक्योरिटी रूम में जाता है तो वहाँ पर CCTV फुटेज में देखता है कि एक ट्रक उनकी तरफ मीन्स उनके मॉल की तरफ तेजी से आ रहा है और सब लोग उस ट्रक में बैठे उस सर्वाइवर को बचाना चाहते हैं लेकिन सिक्योरिटी गार्ड CJ सिर्फ और सिर्फ जिसको अपनी जान प्यारी थी वह नहीं चाहता। तब दूसरा सिक्योरिटी गार्ड उसकी इस बात पर एग्री नहीं करता, वह उसे भी मारने की धमकी देता है। इसी बहस के दौरान वो उन सबसे हथियार छीनकर अब उन तीनों को कैद कर लेते हैं और फिर वो ट्रक वाले लोगों को बचाने के लिए जाते हैं और उन्हें पिछले दरवाजे पर आने का सिग्नल देते हैं। ड्राइवर बैक करके ट्रक दरवाजे पर लगा देता है। तब माइकल एंड्री उन्हें बचाने के लिए बाहर आते हैं और एक कपल पहले ही ट्रक पर चढ़कर खुद को सेफ कर लेते हैं। वो कहते हैं कि ट्रक के अंदर और 6 लोग बाकी हैं। अब सारे जॉम्बीज अभी उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं और वो दोनों उनका मुकाबला करते हैं, उन्हें मारते हैं लेकिन वो जॉम्बीज बहुत ज़्यादा थे तो वो जल्दी से भाग कर दरवाजे को लॉक कर देते हैं। तब वो ट्रक में बैठे सारे सर्वाइवर को बचा लेते हैं जो कि टोटल 8 लोग थे। अब क्योंकि उनके पास ट्रक भी था तो कैनेथ फोर्ट पोस्टर के लिए जाने को कहता है पर इस बात पर एक सर्वाइवर यह कहकर मना करता है कि फोर्ट पोस्टर पूरी तरह बर्बाद हो चुका है, अब वहां पर कोई भी जिंदा नहीं बचा है। लेकिन कैनेथ उसी बात नहीं मानता और वो वहां से जाने लगता है। तब माइकल उसे यह कहकर रोक लेता है कि उन लोगों को उसकी यहाँ पर जरूरत है। तब कैनेथ अपसेट होकर छत पर जाता है जहाँ पर सामने वाला
फ्लोर वाला सर्वाइवर उससे इंफॉर्मेशन मांगता है तो कैनेट उसे बताता है कि फोर्ट वर्स्टर ख़त्म हो गया है और अब कोई भी मदद नहीं आएगी। दूसरी तरफ ना उन सर्वाइवर में से एक औरत का चेकअप कर रही होती है, हालांकि उस औरत को बुखार नहीं था, लेकिन एना को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि उसे कौन सा इन्फेक्शन हुआ है, क्योंकि उसकी हालत बिगड़ती जा रही थी और किसी ने उसे काटा हुआ था। एना किसी दूसरे मेल सर्वाइवर का चेकअप करती है, उसे भी किसी ने काटा हुआ था और तभी उस औरत की हालत ख़राब होने लगती है और वो मर जाती है। तभी वो सब लोग सिचुएशन को समझ ही नहीं पाते कि वो दोबारा से उठ जाती है और एना की तरफ झपटने लगती है। एना एक रॉड लेकर उसकी आंख में घुसा देती है, उसे मार डालती है। फिर वो सब लोग आपस में डिस्कशन करने लगते हैं और एना उन्हें बताती है कि यह एक जॉम्बी वायरस है जो काटने से फैलता है, और वो मेल सर्वाइवर के बारे में भी बताती है, उसे भी किसी जॉम्बी ने काटा है और वो भी जॉम्बी बन जाएगा। यह सुनकर एंड्री काफ़ी हैरान होकर और परेशान हो जाता है कि उसकी वाइफ को भी जॉम्बी ने काटा हुआ है, और वो चुपके से उसके पास चला जाता है। तब माइकल कहता है कि हमें उस मेल सर्वाइवर को मार देना चाहिए वरना उनमें से कोई भी नहीं बचेगा, और वो गन लेकर उसे मारने के लिए जाता है। तब एना जाकर उस आदमी को बताती है कि माइकल उसे मारने आ रहा है। उधर एंड्री की वाइफ की डिलीवरी का टाइम आ जाता है। एंड्री ने उसे चारों तरफ से बांधा हुआ था, उसकी वाइफ की आखिरी सांसें चल रही थी, देखते देखते वो मर जाती है और कुछ देर बाद वो दोबारा जिंदा हो जाती है, जो कि अब एक पूरी तरह से जॉम्बी बन चुकी थी। अब वो जिंदा तो थी, बच्चे को पैदा भी कर दी। अब एंड्रयू उसका मुंह बंद कर देता है ताकि उसका शोर सुनकर कोई आ ना जाए। तब एक सर्वाइवर लेडी उसके रूम में आती है और जब वो एंड्रयू की वाइफ को देखती है तो वो अपनी पिस्टल निकालती है। तब एंड्रयू उससे कहता है कि क्या वो उसकी वाइफ को मारेगी, तो वो कहता है कि दूर रहो मेरी फैमिली से। वह उसकी वाइफ को शूट कर देती है और बदले में एंड्री उस लेडी को शूट कर देता है। मरते मरते वो लेडी एंड्री पर भी गोली चला देती है और वो मर जाती है। शोर की आवाज़ सुनकर वहाँ पर वो सब लोग आते हैं और वो देखते हैं कि वो सब मर गए हैं और वो बच्ची अभी जिंदा है। एना जब बच्ची के चेहरे से कपड़ा हटाती है तो वो देखती है कि वो बच्चा जॉम्बी है, यानी वो इन्फेक्टेड ही पैदा हुई है। एना उसे भी मार डालती है। यह देखकर वो सब लोग आपस में डिस्कस करते हैं कि वो जॉम्बी के शिकार होकर तो बिल्कुल हरगिज नहीं मरेंगे। तब माइकल उन्हें बताता है कि उसने बेसमेंट में दो बसेस देखी थी, वो उनमें बैठकर यहाँ से भाग सकते हैं। तब एक सर्वाइवर मजाक में कहता है उसके बाद वो उसकी वोट पर जाएंगे और वहाँ से वो भाग जाएंगे। तब ना चाहते हुए भी सब लोगों को उस रिस्की प्लान पर एग्री होना पड़ता है और वो डिसाइड करते हैं कि वोट से जाने के बाद वो ऐसी जगह पर जाएंगे जहाँ पर कोई भी आबादी नहीं होगी। वो लोग उस जगह पर अपनी सिक्योरिटी के लिए पूरा इंतजाम करते हैं क्योंकि वहाँ पर किसी चीज़ की कोई कमी नहीं। कैनेट सामने वाले सर्वाइवर को बताने जाता है कि सिर्फ 5 दिन बाकी हैं और वो सर्वाइवर कहता है कि वो भूखा है और उसकी हालत देखकर ऐसा नहीं लग रहा था कि 5 दिन तक बगैर खाए पिए वो जिंदा रह पाएगा। वो उस डॉग के ऊपर खाने का सामान और एक वॉकी टॉकी रखकर रस्सी के जरिए उसे नीचे उतार देता है और वो सामने की बिल्डिंग वाला सर्वाइवर विस्टर देकर उसे अपने पास बुला लेता है और उस छोटे से दरवाजे से उसे अंदर ले लेता है, लेकिन उसके साथ बहुत सारे जॉम्बीज भी उस दरवाजे के जरिए अंदर चले जाते हैं। वो वॉकी टॉकी के जरिए उसे कांटेक्ट करते हैं जिस पर उन्हें पता चलता है कि उसे भी जॉम्बीज ने काट लिया है। फिर तभी उन्हें किसी ट्रक की आवाज़ सुनाई देती है। जब वो देखते हैं तो उस ट्रक में निकोल होती है जो सामने वाले सर्वाइवर की दुकान पर जाती है उस डॉग को बचाने के लिए। उन लोगों को अब वही सर्वाइवर नजर आता है जो कि अब जॉम्बी बन गया था और वो निकोल को वहाँ से निकलने को कहते हैं और ये कहते हैं कि वो वहाँ पर छुप जाए, और तब वो सीवर लाइन के जरिए उसे बचाने जाने का प्लान बनाते हैं और एक सर्वाइवर को गेट पर खड़े होने का कहते हैं ताकि तब वो वापस आए तो दरवाज़ा खुला हो। सीवर लाइन के जरिए वो लोग दुकान के बाहर तक तो पहुंच जाते हैं, लेकिन जब आखिरी सर्वाइवर आने लगता है तब सीवर लाइन के ढक्कन की आवाज़ से वो जॉम्बीज उन्हें देख लेते हैं और वो जॉम्बीज उनकी तरफ दौड़ने लगते हैं और वो लोग जॉम्बीज का मुकाबला करते हुए उन्हें मारकर उस शॉप के अंदर चले जाते हैं और वहाँ पर उन्हें वही सर्वाइवर मिलता है जो उस शॉप का मालिक था और अब वो पूरी तरह से जॉम्बी बन गया था। और कैनेट उसे सॉरी कहते हुए शूट कर देता है
और वो निकोल को देखते हैं कि वो बिल्कुल सही सलामत है। फिर वो सब वहाँ से बहुत सारे हथियार इकट्ठा करते हैं और तब सीजे एक प्लान बनाता है। वो एक गैस सिलेंडर बाहर फेंकता है और इस सिलेंडर को शूट कर देता है, जिससे बहुत बड़ा ब्लास्ट होने की वजह से जॉम्बीज मर जाते हैं। और तब वो सब सीवर लाइन की तरफ भागते हैं। सबसे पीछे सीजे रह जाता है और फिर वो भी आ जाता है और सबसे आखिर में एक सर्वाइवर बचता है। वो जॉम्बीज से बचने की वजह से सीवर में जा गिरता है, जिससे उसकी टांग टूट जाती है। सीजे उसे बचाने की बहुत कोशिश करता है लेकिन नहीं बचा पाता और वहाँ पर बहुत सारे जॉम्बीज आ जाते हैं। वो सब लोग किसी तरह दरवाजे तक पहुँच जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर वो सर्वाइवर नहीं है जिसे वो छोड़कर गए थे, और दरवाज़ा भी लॉक्ड है। और तभी वहाँ पर जॉम्बीज भी आ जाते हैं जो संख्या में बहुत ज़्यादा थे, और अब वो समझ गए थे कि उनकी मौत उनके सामने खड़ी हुई है। तभी ऐना आकर वहाँ का दरवाज़ा खोल देती है और वो सब लिफ्ट की तरफ भागकर बेसमेंट में चले जाते हैं। और फिर वो सब लोग जल्दी से जल्दी बस में बैठकर बाहर निकलने लगते हैं। बाहर लाखों की संख्या में जॉम्बीज थे जो उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। वो लोग उन जॉम्बीज के बीच फंस चुके थे। जॉम्बीज उनकी बसेस को पलटने लगते हैं और वो उन्हें मारने लगते हैं गोलियां और चेंसों से। तभी सीजे एक गैस सिलेंडर जलाकर जॉम्बीज की तरफ फेंकता है और मौका मिलने पर ठीक वक्त पर वो उसे सिलेंडर को शूट कर देता है, और बहुत बड़ा ब्लास्ट होने की वजह से काफ़ी जॉम्बीज मारे जाते हैं और उनका रास्ता काफ़ी हद तक क्लियर हो जाता है और वो लोग वहाँ से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। कैनेट देखता है कि उसकी बस के पीछे एक जॉम्बी लटका हुआ है। तब एक सर्वाइवर उसे मारने के लिए चेंसों को स्टार्ट करता है। अब टर्निंग पॉइंट आ गया था और कैनेट को बस को मोड़ना था, जिसकी वजह से सर्वाइवर का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो सीधा जाकर एक फीमेल सर्वाइवर के ऊपर गिरता है और चेंसों की वजह से वो कट जाती है और वो आदमी खुद भी कट जाता है और उनकी बस भी पलट जाती है। तब सीजे देखता है कि दूसरी बस पीछे नहीं है और वो अपनी बस को पीछे की ओर लाते हैं। अब वो सर्वाइवर जो कि सेल्फिश था, बिना किसी के हेल्प किए वो बाहर आ जाता है, लेकिन बाहर अकेला वो ज़्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाता है। एक जॉम्बी उस पर झपट कर उसे मार डालता है। वो लोग दूसरी बस की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन जब ऐना जाने लगती है तब वो सेल्फिश सर्वाइवर जो कि अभी जॉम्बी बन चुका था वो आ जाता है और ऐना उसे मार डालती है। गोली की आवाज़ सुन बाकी जॉम्बीज भी वहाँ आ जाते हैं। मौके का फायदा उठाकर ऐना उसके पॉकेट से बोट की चाबी भी ले लेती है और बाकी सर्वाइवर उसे बचाने की कोशिश करते हैं। चाबी लेकर वो बस की तरफ भागती है और सारे जॉम्बीज भी उसके पीछे पीछे आते हैं। माइकल किसी तरह उसे बचाकर बस के अंदर खींच लेता है और सीधे दरवाजा बंद कर देता है और फिर वो लोग बोट के पास पहुंच जाते हैं। सब लोग उधर का बोट की तरफ जाने लगते हैं। आंखें में सीजे रह जाता है जो कि वहीं फंस जाता है और वो उन सब की जान बचाने के लिए जॉम्बीज को कवर करता है, लेकिन थोड़ी देर में सारे जॉम्बीज उसे पकड़ लेते हैं और वो उन लोगों के लिए अपनी लाइफ का सेक्रीफाइस कर देता है। जब उसे कोई रास्ता दिखाई नहीं देता तो वो गैस सिलेंडर को शूट करके उन जॉम्बीज के साथ खुद भी मर जाता है। वो सब लोग वुड पर चढ़ जाते हैं लेकिन माइकल उनके साथ नहीं जाता, और अफसोस की बात ये थी कि उसको भी जॉम्बीज ने काट लिया था। और वो वोट के जरिए उन सबको वहाँ से निकाल देता है और उन सबको वहाँ से जाते हुए देखता है। ऐना इन सब से खुश नहीं होती क्योंकि वो उसे वहाँ पर छोड़ना नहीं चाहती थी, वो उसकी हेल्प करना चाहती थी क्योंकि वो उन सब की जान बचाने की वजह से ही माइकल को अपनी ज़िंदगी का सेक्रीफाइस करना पड़ा। ऐना बहुत दुखी होती है जैसे ही उनकी वोट कुछ दूर निकलती है। माइकल खुद को शूट कर लेता है और इसी इमोशनल सीन के साथ मूवी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी मूवी की एक्सप्लेनेशन कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, आपको उस मूवी का कौन सा पार्ट बेस्ट लगा वो भी जरूर बताइएगा और आपके कीमती सुझाव जरूर दीजिएगा। सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ सूर्य नमस्कार करो या फिर अनुलोम विलोम, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।